नमस्कार दोस्तों, उड़ता परिंदा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगी जिसको सुनकर आपको अपने जीवन की एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। यह वीडियो पूरा लास्ट तक देखें। एक पिता अपने दो बच्चों के साथ ट्रेन में सवार हुआ और चुपचाप सीट पर बैठ गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। उसके बच्चे बच्चे नहीं थे, आफत की पुड़िया थे। ट्रेन चलते ही उन्होंने आसमान सर पर उठा लिया था। कोई ऊपर की सीट पर चढ़ रहा तो कोई यात्रियों के सामान को छेड़ने लगा, तो कभी जोर जोर से चिल्लाकर आसमान सिर पर उठा लिया। यात्री परेशान होकर भड़क उठे और बोले, किस तरह का बाप है, ना अपने बच्चों को डांटता है और ना ही रोकता है। कोई पिता को असंवेदनशील समझ रहा है तो कोई निकम्मा। आखिर जब धीरज की सीमा हुई तो एक सज्जन गुस्से से उठे और पिता के पास जाकर चिल्लाने लगे, आखिर आपके बच्चे हैं या मुसीबत, आप उनको डांटते क्यों नहीं। बाप ने उन साहब की तरफ देखा तो उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वह रोहानसी आवाज से बोला, आज सुबह ही इनकी माँ का निधन हो गया है और मैं इन्हें वहीं लेके जा रहा हूँ। मुझ में इन्हें कुछ कहने की हिम्मत नहीं है, आप रोक सकते हो तो रोक लो। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगा। ना जाने कब से वह अपने दर्द को दबाए बैठा था। पिता की बात सुनकर सभी यात्री आश्चर्यचकित रह गए। पल भर में नज़ारा पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह शरारती बच्चे सबको प्यारे लगने लगे थे, हर कोई उन्हें प्यार कर रहा था और उनसे लिपटा हुआ था। प्यारे दोस्तों, जीवन की सच्चाई वह नहीं होती जो हमें दिखाई दे, बल्कि वह भी हो सकती है जो हमें दिखाई ना दे। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इस कहानी से आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके बताएं।